नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर ही एक खबर जो कि आपके समायोजन या फिर कहा जाए अस्थायीकरण से संबंधित है। खबर क्या है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के समायोजन पर क्या आया कोर्ट का आदेश, कैसा आदेश, क्या हाल ही के अंदर कोई सुनवाई होनी थी, अगर होनी थी तो क्या सुनवाई हुई या फिर नहीं हुई, और उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर क्या आया, ये सब कुछ आपके साथ आगे वीडियो में प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आप सभी के स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आपको अपने स्क्रीन पर एक केस का स्टेटस दिख रहा होगा। दरअसल हाल ही के अंदर साथियों आपको याद है कि एक नोटिस जारी हुई थी अनौपचारिक अनुदेशकों के लिए, यानी कि जिन्होंने वरीयता प्राप्त करके शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्तियां ली थी 2005 या उसके बाद में, उनके लिए कि इनके कुछ डाटाज वगैरह मांगे गए थे जहां पर ये आशाएं थी कि इनका अस्थायीकरण होगा। हालांकि बिहार वगैरह में देखा जाए तो इनके अस्थायीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं वो लंबित भी हैं, कोर्ट के द्वारा आदेश भी हो चुका है। इसी मैटर को लेकर के हाल ही के अंदर कोर्ट में एक रिट अपील की गई थी। यहां पर आप देख ले 3/3/2023 को ये रिट, यानी कि 3 मार्च को ये रिट अपील की गई थी, जहाँ पर इस रिट के दाखिल होने के बाद इसकी कुछ सुनवाइयाँ हुई। उसके बाद अगली डेट लगी जहाँ पर पहली सुनवाई इसकी 16 मार्च को हुई थी। अब इसके बाद 16 मार्च के बाद इसकी जो डेट लगी वो 3 अप्रैल की लगी। अब 3 अप्रैल को क्या सुनवाई हुई, मेन मुद्दा ये है। दरअसल 3 अप्रैल को जो सुनवाई हुई उसमें भी कोर्ट के द्वारा एक नई डेट दी गई। डेट क्या है, डेट है 17 अप्रैल 2023, यानी कि कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अब इस मामले की जो सुनवाई है वो पुख्ता रूप से 17 अप्रैल को की जाएगी। डेट फिक्स्ड है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार का जो फाइनल डिसीजन है वो कोर्ट के द्वारा नहीं निकल कर आया। हो सकता है इसके बाद भी एक दो डेट आगे बढ़े, लेकिन ये केस बहुत लंबे समय तक जाने वाला नहीं है। बहुत ही जल्द इस पर फाइनल डिसीजन कोर्ट अपना देगा। फिलहाल के लिए इस पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट आप में से साथियों को हो या फिर अतिरिक्त जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। जय हिंद।